नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चीन ने इस वक्त ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास के नाम पर 40 फाइटर जेट उड़ाए। इसमें से 35 ने ताइवान की खाड़ी में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर दिया। इसके अलावा चीन की नौसेना के 19 जंगी जहाज और कोस्ट गार्ड के 7 युद्धपोत ताइवान के चारों तरफ तैनात हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि ताइवान चीन की जंग बस शुरू होने वाली है। लेकिन अगर चीन और ताइवान के बीच जंग होती है तो क्या ताइवान उसका मुकाबला कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ताइवान चीन से छोटा जरूर है लेकिन हथियारों में कमजोर नहीं है। उसके पास कई ऐसे हथियार हैं जो चीन की हालत खराब कर सकते हैं। ताइवान के पास इतने और ऐसे हथियार हैं कि वह चीन से युद्ध होने पर लंबे समय तक उसे परेशान कर सकता है। इसलिए आपको ताइवान के ऐसे हथियारों के बारे में बताते हैं जो चीन से मुकाबला कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है तुओ चियांग कॉर्व। ताइवानी नौसेना का एक ऐसा जंगी जहाज है जो चीन की नौसेना, थल सेना और वायुसेना को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। 198.2 फीट लंबे इस जंगी जहाज की अधिकतम गति 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 12 काउंटर शेफ डिस्पेंसर लगे हैं, यानी दुश्मन की मिसाइलों गोलों को हवा में दाग सकता है। इसके अलावा एक हेलेंस CIWS गन लगी है जो दुश्मन के टारगेट को खुद पहचान कर हमला कर सकती है। इसी तरीके से है हिसंग फेंग 3। हिसंग फेंग 3 का मतलब होता है ब्रेव विंड। यह एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल होती है। यह जमीन और नौसैनिक दोनों टारगेट्स पर हमला कर सकती है। ताइवान के पास ऐसी 250 मिसाइलें मौजूद हैं। इनका वजन 1400 से 15 किलोग्राम है। लंबाई करीब 20 फीट और व्यास करीब 1.5 फीट होता है। ये अपने सिर पर 225 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती हैं। अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है। ये उड़ते समय 125 से 250 मीटर तक ऊंचाई हासिल कर सकती हैं, ताकि दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम आसानी से इसे टारगेट ना बना सके। इसी तरीके से है स्काई बो 3। ताइवान की जमीन से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, इसे तियेंग पुंग के नाम से भी बुलाते हैं। इसका लक्ष्य होता है हिट टू किल। वजन 870 किलोग्राम, लंबाई 5.49 मीटर। ये 8348.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी दुश्मन के पास बचने का समय नहीं होता। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। और इसी तरीके से है ताइवान का M109 पैलेडिन होविट्जर। यह अमेरिका में निर्मित 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर तोप है। इसकी लंबाई 30 फीट है। इसे चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। इसमें 155 मिलीमीटर का गोला लगता है। यह तोप हर मिनट 4 गोले दाग सकता है। इसकी रेंज 21 से 40 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर M2 मशीन गन लगी है। एक बार में 350 किलोमीटर तक यह टैंक जा सकता है। इस टैंक में 36 से 39 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसी तरीके से ताइवान का M142 हिमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी है। यह एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो 2010 से लगातार अलग अलग युद्धों में उपयोग किया जा चुका है। इसकी लंबाई 23 फीट होती है। इसे चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। इसमें 227 मिलीमीटर के 6 रॉकेट्स का सेट होता है। हिमार्स लॉन्चर को 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 480 किलोमीटर की रेंज तक ले जाया जा सकता है। और इसी तरीके से ताइवान का हेलफायर AGM मिसाइल है। हेलफायर मिसाइल का उपयोग फाइटर जेट से किया जाता है, या फिर ड्रोन या हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। इसके वेरिएंट्स को जमीन या कंधे से भी दागा जा सकता है। बारूद की मात्रा बेहद कम होती है। इसमें तेज धार वाले धातु के ब्लेड्स होते हैं। इसके सामने आने वाला इंसान कई टुकड़ों में कट जाता है। इस मिसाइल को निंजा बॉम्ब्स और फ्लाइंग गिनसू भी कहते हैं। इस मिसाइल की खास बात यह है कि अमेरिका में मौजूद 8 प्रकार के हेलीकॉप्टर से ये लॉन्च की जा सकती है। ये 7 अलग अलग तरह के विमानों, पेट्रोल बोट या हमवी से भी लॉन्च किया जा सकता है। हेलफायर मिसाइल दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। इस मिसाइल में 5 तरीके के वॉरहेड यानी हथियार लगाए जा सकते हैं। और इसी तरीके से ताइवान का F-16 फाइटिंग फॉल्कन है। अमेरिका द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक, 48 सालों से कई देशों का भरोसेमंद फाइटर जेट है। अब तक करीब 4604 यूनिट्स इसके बनाए गए हैं। इस फाइटर प्लेन को एक पायलट उड़ाता है।
49.5 फीट लंबे प्लेन में एक बार में 3200 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह अधिकतम 2178 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। पूरे हथियारों के साथ इसकी कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है। इसमें एक 20 मिलीमीटर की रोटरी कैनन लगी है जो प्रति मिनट 511 राउंड फायर करती है। इसके अलावा इसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल, 6 अंडर विंग, 3 अंडर फ्यूजलेस पाइलाइन बम लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ 4 रॉकेट या 6 हवा से हवा या हवा से सतह या हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं या फिर इनका मिश्रण। इसमें 8 बम भी लगाए जा सकते हैं, वो भी एक साथ, जो कि चीन का मुकाबला करने के लिए सबसे बेहतरीन है। इतना ही नहीं, इसी तरीके से ताइवान का MIM-72 चपारल है। यह एक अमेरिकी सेल्फ प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी इसके रडार ने जैसे ही दुश्मन के विमान को देखा यह खुद ही उसका टारगेट फिक्स करके उड़ जाएगी। अब तक इसके 10 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं जो जमीन और जंगी जहाज से चलाए जा सकते हैं। इसकी लंबाई 9.6 फीट होती है, वजन करीब 86 किलोग्राम होता है। यह अधिकतम 1779 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। मिनिमम रेंज 590 फीट और अधिकतम रेंज 5 किलोमीटर है। अधिकतम 10,000 फीट की ऊंचाई तक से ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस तरीके से ताइवान के पास AIM-7C स्पैरो है। यह एक शिप बॉर्न शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम है, यानी जंगी जहाज से दुश्मन के प्लेन, जंगी पोत या फिर मिसाइल को ध्वस्त किया जा सकता है। इसका वजन 230 किलोग्राम होता है। 12 फीट लंबे मिसाइल में एनुलर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है जिसका वजन 41 किलोग्राम होता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 19 किलोमीटर होती है। अधिकतम गति 4256 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। और अगर इसका इस्तेमाल ताइवान ने किया तो चीन की हालत खराब हो सकती है। इसी तरीके से ताइवान के पास स्काई स्वॉर्ड 2 है। ताइवान की मीडियम रेंज राडार गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। ताइवान के पास ये 1990 से है। इसका वजन 184 किलोग्राम होता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर है। इसकी गति इसे बहुत घातक बनाती है। ये 7408 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी रडार या दुश्मन को तैयारी का मौका ही नहीं मिलता। इस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं। ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही है। इसे फाइटर जेट, जंगी जहाज या फिर जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसी तरीके से ताइवान का M9 साइवेंडर है। यह एक शॉर्ट रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 1953 से लगातार अमेरिका इसे बना रहा है और कई देशों को सप्लाई कर रहा है, और ताइवान के पास भी है। 85.3 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल 9.11 फीट लंबी होती है। इसमें एनुलर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है जिसका वजन 9.4 किलोग्राम होता है। यह 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी ताइवान के पास इतने हथियार हैं कि वो चीन का आसानी से मुकाबला कर सकता है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर ताइवान पर चीन कब्जे के लिए हमला करता है तो ताइवान के पास कितनी ताकत है। और तो और, ताइवान की मदद के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की सेनाएं भी आ सकती हैं। वहीं अमेरिका भी हिंद महासागर में चीन का सामना करने की तैयारी करके बैठा है। फिलीपींस में अमेरिका के 5 सैन्य बेस हैं, एंटोनिया, बाउटिस्टा एयरबेस, बासा एयरबेस, फोर्ट मैक्सेसे, लुम्बिया एयरबेस और मैकटेन बेनितो इबुएन एयरबेस। अमेरिका इन सैन्य ठिकानों से भी जरूरत पड़ने पर ताइवान के लिए सैन्य मदद भेज सकता है, यानी सेना भेज सकता है। और अब ये कहा जा सकता है कि ताइवान खुद भी इतना मजबूत है और साथ ही उसने अपने संबंध ऐसे देशों से बना रखे हैं कि समय आने पर चीन को ताइवान मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा। और अगर ताइवान और चीन की जंग होती है तो जल्द ही इसका सबूत भी मिल सकेगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।